लेकिन अगर इंसान है, अरे ड्यूटी तो साफ साल बाद रिटायरमेंट हो ही जाएगा। अगर इंसान है तो कभी किसी कोने में इंसानियत से सोचिएगा। क्या चलो ठीक और खराब नाम नहीं आए हैं, आज जहाँ बीएसएल खड़ा है वो हमारे पूर्वजों की जमीन, और जमीन यह कहते हुए लिया गया था कि जब तक बीएसएल कुआं, जब तक इसकी चिमनी में धुआं रहेगा तब तक विस्थापितों के परिवार में नौकरी रहेगी। इसलिए हम लोग साथी मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से हम लोग सभी से सहयोग चाहते हैं, हम लोग सभी से सहयोग चाहते हैं कि आप लोग हमारा कोऑपरेट करें, प्रबंधन को विवश होना पड़े और हमारी मांगों को मानना पड़े, इसके लिए हम सभी आप सभी का समर्थन और सहयोग चाहते हैं। हमारी लड़ाई कभी गलत नहीं है। हमने कभी किसी के जाकर अतिक्रमण करने का काम नहीं किया है। हम अपने हक अधिकार को मांगे, और आज जो लड़ाई हम लड़ने आए हैं ये हमारी अंतिम, बिल्कुल अंतिम लड़ाई होगी, क्योंकि इसके बाद अगर हम लोग नहीं लड़ पाए तो शायद कुछ नहीं बचे। आज आप बता के देखिए, आप यहाँ कहीं चिन्मया स्थापित है, कहीं डीएवी स्थापित है, कहीं तमाम तमाम बड़ी बड़ी स्कूलें, तमाम बड़ी बड़ी कॉलेजे स्थापित है। भैया वो स्थापितों की जमीन में है, तो कम से कम 50% आरक्षण होना चाहिए विस्थापितों की। अस्पताल विस्थापितों की जमीन पर है, हमारे लिए निःशुल्क हर प्रकार से हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन बोलेगा कौन और सुनेगा कौन, क्योंकि झारखंड के लोग आज किस प्रकार सताए जा रहे हैं। ये आजाद भारत का एकमात्र राज्य होगा जहां आज भी लोगों को सताया जा रहा है। अब जो भी बात होगी पब्लिकली होनी चाहिए, क्योंकि आज सभी जानते हैं आज मोटा मोटी बीएसएल की स्थापना हुए लगभग 50 साल पार हो चुके हैं। इन 50 सालों में 50 बार वार्ता हुई है, नतीजा कुछ नहीं निकला है, इसलिए आज पब्लिकली होनी चाहिए और ऐसी वार्ता होनी चाहिए ताकि फिर दोबारा भविष्य में वार्ता की नौबत नहीं आए। प्यार लोकतंत्र चौथे स्तंभ मीडिया बंदों के माध्यम से जो बीएसएल प्रबंधन जो शायद कान में तेल डालकर ऐसी पंक्ति में बैठा होगा उन तक संदेश है कि आप इस वक्त ऐसा याद रखिए, मानते हैं आपके पास आज पुलिस प्रशासन की ताकत है, याद रखिएगा दुनिया को जीतने की ख्वाब रखने वाला सिकंदर आधी दुनिया से खाली हाथ वापस लौटा है। घमंड में मत रहिएगा प्रबंधन, और इस बात की हम लोग अपने मन से घोषणा करते हैं। जब लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि 2024 में नए नौजवान अगर सत्ता में काबिज होते हैं तो जो जमीनें खाली हैं उन्हें वापस कराई जाएगी। और ऐसा नहीं कि हम लोग कोई आसमानी किताबी बात कह रहे हैं, आप ममता बनर्जी को जानते होंगे, नंदीग्राम और सिंगूर की घटना को आपको याद होगा, चाचा तीनों से उन्हें जमीन वापस करवाया था, तो बीएसएल से भी जमीन वापस करवाया जा सकता, बस लीडर ऐसा होना चाहिए। अब विरंती और अवार जैसा कौन सा गुंडा विधायक बनेगा जो पार्टी की दलाली करेगा, तो भैया उनसे नहीं हो सकता। पार्टी की दलाली करने वाले नहीं, राम भाई सिंह दिनकर के तट पर देश के प्रधानमंत्री से आंख मिलाकर बात करने वाले लीडर की दरकार है। इसलिए बात के लिए भी आश्वस्त है, और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है। हम बहुत खुश हो चुके हैं, हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप इमेजिन कीजिए, आज ये लड़ाई है नियोजन के लिए, आज ये लड़ाई है जमीन बचाने के लिए। अरे जमीन बचाने की लड़ाई तो चुहार विद्रोह में थी, फूल विद्रोह में थी, और बीता के विद्रोह में भी थी। तो जिसे झारखंड के नौजवान बिरसा तिलका रघुनाथ बन के सामने आएंगे, निर्मल सुनील बन के सामने आएंगे, उस दिन प्रबंधन रहे या कोई शासनिक तंत्र रहे, बहुत बहुत शानदायक होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि स्थिति न बने। हम सभी चाहते हैं इस राज्य में ऐसी परिस्थिति का उत्पन्न ना हो, इसलिए जो भी मांगे हैं उन्हें अभिलंब पूरा किया जाए, और ये मांगे कोई आसमानी मांगे नहीं है, ये मांगे वही है जो एक विस्थापित के परिवार को
बात करते हैं।